वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, यू आर वाचिंग इन्फो अरुण व्लॉग्स। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मारुति अर्टिगा, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। और पांच आज ऐसे सॉलिड रीज़न आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये गाड़ी खरीदना क्यों आपके लिए वर्थ है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाना। पहले दिखाते हैं गाड़ी को सिनेमैटिक शॉट एंड देन बात करते हैं गाड़ी की डिटेल्स के बारे में। सो गाइस, सिनेमैटिक शॉट आपने देखे होंगे तो आपको एक बार मैं वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा का सीएनजी वेरिएंट, जो कि आपको खाली वीएक्सआई मॉडल में ही आपको सिर्फ सीएनजी वेरिएंट मिलता है। इसके अलावा गाड़ी आपको पेट्रोल में भी मिलेगी, मैनुअल ट्रांसमिशन में भी मिलेगी, ऑटोमेटिक में भी मिलेगी। लेकिन पर्टिकुलर इस वेरिएंट को रिव्यू करने का मतलब यही है कि ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा बिकता है, यानी सीएनजी सबसे ज़्यादा डिमांड में है। तो आज आपको गाइस पांच ऐसे रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि मारुति अर्टिगा का ये वाला वेरिएंट सीएनजी वेरिएंट इतना क्यों सेल होता है। सो पहले थोड़ी सी मैं गाड़ी की डिटेल बात कर लेता हूँ। ये है आपका 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 91 BHP मिलती है एंड क्रॉस टू 122 NM का टॉर्क मिलता है। एक बार गाड़ी की मैं आपको फ्रंट लुक दिखा देता हूं, तो यहां पर आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं हेलोजन के साथ। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्रोम की ग्रिल मिलेगी विद सुजुकी बैजिंग के साथ। जगह जगह पर आपको बताता रहूँगा कि क्योंकि ये कस्टमर की डिलीवरी की गाड़ी है तो उन्होंने कुछ अपने हिसाब से इसमें जो है एक्सेसरीज़ भी ऐड करवाई हैं, तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्या क्या आपको जो है इसमें नहीं मिलेगा। वो ऐड ऑन आपको लगवाना चाहें तो आप लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है क्रोम की फिनिशिंग दिखेगी, ये आपको ऐड ऑन है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे फॉग लैंप इस वेरिएंट में नहीं आता है, तो फॉग लैंप कस्टमर ने लगवाए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारा क्रोम का जितना टचअप है ये आपको एडिशनल एसेसरीज़ का पार्ट है, तो ये इसके साथ नहीं मिलता है आपको। फ्रंट अगर लुक देखेंगे तो इस तरह की आपकी ज़बरदस्त लुक मिलती है आपको। साइड लुक की अगर मैं बात करूँ तो साइड लुक में आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है 15 इंचेस के आपको रिम्स मिलते हैं, जिसमें आपको व्हील कवर मिलते हैं, तो इस वेरिएंट में आपको एलॉयज वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डोर क्रोम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारा डोर क्रोम आफ्टर मार्केट यानी एसेसरीज़ का पार्ट है। इसके अलावा आपके रेन वाइज़र, तो ये भी आपके जो है एसेसरीज़ का पार्ट है। तो नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये भी आपका जो है एसेसरीज़ का ही पार्ट है, जिसको जो है एडिशनल एसेसरीज़ में काउंट किया जाता है। इसके अलावा अगर जो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, बॉडी कलर आपको जो है और वेम्स मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर के साथ। एक बार मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ, तो इस तरह की आपको जो है गाड़ी की मिलती है, जिसमें दोनों जो है आपके इनबिल्ट सेंटर लॉकिंग मिलती है। तो अंदर से गाड़ी मैं आपको डेफिनेटली बाद में दिखाऊँगा। व्हील बेस देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग व्हील बेस है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट और सेकेंड रो है उस पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको, किसी तरह का कोई लेग रूम या इशू नहीं आता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस अर्टिगा का रियर सेक्शन, तो कुछ इस तरह का रियर सेक्शन आपको मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टॉप लैंप मिलता है, वाइपर वॉशर या डिफॉगर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। यहाँ पर आपको मिलेगी अर्टिगा की बैजिंग, यहाँ पर मारुति सुजुकी एंड यहाँ पर आपको रियर साइड में LED आपको टेल लाइट मिलती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको बाकी हेलोजन मिलेंगे, सिर्फ टेल लाइट आपको जो है LED मिलेगी। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है इसमें, वो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। उससे पहले नीचे की तरफ आपको जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलेंगे, ये पार्किंग सेंसर आपको गाड़ी में मिलते हैं, लेकिन जो कैमरा है वो जो है कस्टमर ने एसेसरीज़ के पार्ट में लगवाया है। एक बार मैं आपको
इसका बूट स्पेस ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस, इस तरह का आपको जो है बूट स्पेस मिलता है। जैसा कि ये मैंने आपको बताया सीएनजी वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको सिलेंडर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। 12 केजी का सिलेंडर मिलता है। सो काफ़ी अमेजिंग, मतलब फिटिंग की अगर बात करें तो उसके बाद भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है अपना लगेज वगैरह या छोटा मोटा सामान रखने के लिए। सो यहाँ से आप देखेंगे तो इट्स अ 7 सीटर, काफ़ी अच्छा जो है इसके अंदर आपको स्पेस मिल जाता है, वो हम अभी अंदर चल के भी देखेंगे गाड़ी के। तो आपको मैं एक वॉक अराउंड दिखा देता हूँ कि इस तरह का आपको जो है मारुति सुजुकी अर्टिगा का एक वॉक अराउंड, जहाँ पर काफ़ी अमेजिंग लुक देने वाली ये गाड़ी आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स भी देती है और अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त व्हीकल है ये। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स की। सो गाइस, अंदर से आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का जो है मारुति अर्टिगा का इंटीरियर मिलेगा आपको। ऑल्दो ये वाला जो इंटीरियर है ये मैं आपको बताऊँगा ये क्या ऑप्शन मिलता है आपको, बट इस तरह का आपको जो है डैशबोर्ड मिलेगा। अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ड्यूअल टोन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन इसमें जो है कस्टमर ने ये भी आपका जो टॉप एंड में यानी ZXI मॉडल में आता है ये आपका वुडन टच फिनिशिंग आपको मिलती है मैट में। तो ये कस्टमर ने एसेसरीज का पार्ट लगवाया जो कि आपका साइड डोर्स पर होता है, देन आपके यहाँ पर भी मिलेगा आपको आपके कंट्रोल्स के पास, एंड ये आपका डैशबोर्ड भी कवर करता है। तो काफ़ी अमेजिंग लुक लगती है, एक वुडन फिनिश काफ़ी प्रीमियम जो है लगता है। ये भी अगेन एसेसरीज़ का पार्ट है। अब बात कर लेते हैं कि इस मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपने ORVMs को एडजस्ट और फोल्डेबल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप अपने हेडलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है, जैसे कि मैं एक बार आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आपको जो है आपके CNG एंड पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है जिस मोड में आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको AC वेंट मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह का आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता है। तो दिखा देता हूँ आपको मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट हैंड साइड में आपको RPM मीटर, सेंटर में डिजिटली आपको जो है फ्यूल एंड आपकी CNG की इंफॉर्मेशन दिखती है। रेंज, टाइम, किलोमीटर, टेम्परेचर, सारी चीज़ें आपको जो है सेंटर में दिखेंगी। इसके अलावा स्टेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेयरिंग आपका जो है एक फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको क्रोम का टच मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड यहाँ पर आपको थोड़े से वॉइस कमांड एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं ये एक मतलब इसे आप टच स्क्रीन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ आपके टच, ये देखिए जैसे मैं वॉल्यूम का अगर देख रहे हैं तो ये टच वाला है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है बहुत छोटा सा डिस्प्ले है, जिसमें आपको यूजुअली अपने ब्लूटूथ या ऑडियो की ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑल्दो दिखने में पूरा आपको एक पूरा टच स्क्रीन वाली फीलिंग देता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है सिर्फ वॉल्यूम एंड ट्रैक के जो है टच यहाँ पर मिलते हैं आपको। इसके अलावा जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है मैनुअल आपका AC, देन उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक 12W का पावर सॉकेट मिलता है एक USB पोर्ट के साथ। यहाँ पर आपको ये आपका USB पोर्ट एंड ऑक्स का मिलता है, ये आपका 12W का। इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपका एयर ब्लोअर यानी कूल एयर ब्लोअर का यहाँ पर मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे साथ में देखेंगे तो ये वाला मॉडल आपको मिलता है 5-speed मैनुअल के साथ। यहीं पर अगर आप ऑटोमेटिक पे जाएंगे तो वो आपको 4-speed टॉक कन्वर्टर आपको जो है ट्रांसमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मैनुअल पे जाएंगे तो आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको जो है इस तरह का क्रोम टिप के साथ आपको जो है हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ग्लोब बॉक्स दिखा देता हूँ मैं, इसमें आपको इस तरह का ग्लोब बॉक्स मिलता है, काफ़ी एनफ स्पेस मिल जाता है इसमें आपको रखने के लिए। फुल ग्लोब बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ग्लोब बॉक्स है। एंड सीट्स की अगर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, यानी लेदर सीट्स आपको जो है इसमें मिलती हैं। काफ़ी एक फुल आपका बेज कलर में इंटीरियर हो जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ABS, EBD, अगर ब्रेक असिस्ट मिल जाता है। इसके अलावा एयरबैग्स, तो आपको फ्रंट 2 एयरबैग्स मिलते हैं इसमें। एंड इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था तो कैमरा यहाँ पर आपने लगाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन भी जो है उसी के अकॉर्डिंग लगी हुई है। यानी अगर मैं एक बार देख लेता हूँ रिवर्स लगा के, ये देखिए जैसे ही मैंने रिवर्स लगाया तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका मिरर में ही एडजस्टमेंट है, तो आपको पीछे की तरफ सारी आपको
इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मल आपके रीडिंग लैंप्स मिलते हैं हेलोजन में, इधर की तरफ आपको टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ पर आपको जो है वैनिटी मिरर मिलता है। जैसे कि मैंने बताया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स, एंड अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके अंदर आपको नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। 4 स्पीकर जो है इसमें सपोर्ट करते हैं, एंड अगर मैं डोर्स की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी 1 से 1.5 लीटर की आप बोतल यहाँ पर रख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान रखने को मिल जाता है। सीट्स की अगर बात करें तो 6-way एडजस्टेबल सीट्स आपकी जो है फ्रंट एंड सेकंड रो की सीट होती है, थर्ड रो की सीट जो है आपकी वो सिर्फ आपकी जो है 4-way एडजस्टेबल है, यानी उसमें आपको जो है आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने हेडरेस्ट और उनको कर सकते हैं इंक्लाइन। सीट्स आप देखिए पीछे की, सेकंड रो आपकी जो है 60-40 की रेशो में स्प्लिट हो जाती है, थर्ड रो जो है आपकी वो 50-50 की रेशो में स्प्लिट होती है। अभी हम चलते हैं रियर सेक्शन पे, देखते हैं रियर सेक्शन पे क्या कुछ कंफर्ट मिलता है। सो गाइस, रियर सीट अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की रियर सीट देखने वाली है। ऑल दो यहाँ ये सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई थी, एंड आप देख सकते हैं उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा अभी ये सीट पूरी पीछे है, तो इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा एक बार बैठने के बाद, बट आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैंने आपको व्हील बेस बताया था, व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ। 5'11" हाइट होने के बावजूद ये सीट भी मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई थी, तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरा कितना अच्छा जो है, मतलब मैं अपने पैरों को काफ़ी एक्सटेंड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़बरदस्त अल्ट्रा कम्फर्ट मिलने वाला है गाड़ी में आपको। यहाँ पर आपको मिलता है 12W का पावर सॉकेट, और ये है आपकी फोल्ड सीट जिसको आप फोल्ड करके थर्ड रो पे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो है आपके ब्लोअर मिलते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे, बंद करना चाहे, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था जो फिनिशिंग जो आपको डोर पर वुडन की फिनिशिंग मिलती है वो आपको सेकंड में भी मिलेगी रो में, एंड वो थर्ड सीट पर भी मिलेगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको जो है एक बार दिखा देता हूँ, साइड डोर्स पे आपको क्रोम का टच मिलता है, तो काफ़ी अमेजिंग एक इंटीरियर मिलता है। ऑल दो काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेंट है कि ये जो इंटीरियर है काफ़ी जल्दी गंदा हो जाता है, बिकॉज़ ये पूरा इंटीरियर बेज कलर का है, तो डेफिनेटली ये हम उम्मीद करते हैं जो आने वाली अर्टिगा होगी उसके अंदर इस चीज़ को जो है चेंज किया जाएगा, जिसके अंदर आपको इंटीरियर में भी शायद ब्लैक कलर का मिले या ड्यूअल टोन मिले, बट उसमें ब्लैक का टच आपको डेफिनेटली मिलेगा, जिससे जो है ये जल्दी गंदा नहीं होगा। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं थर्ड रो पे, देखते हैं जरा थर्ड रो का क्या एक्सपीरियंस है। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो थर्ड रो में जाना पड़ता है वो जाना पड़ता है, आप इसको फोल्ड कर सकते हैं सीट को, एंड देन आपको इसको जो है आगे की तरफ स्लाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप थर्ड रो में जा सकते हैं। जैसा कि आप देखिए साइड में, यहाँ पर आपको कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है दोनों साइड में, एंड वही वुडन टच आपको यहाँ पर भी मिलता है। सीट्स आपके 50-50 के रेशियो में स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन आप सीट्स में देख सकते हैं मतलब ज़्यादा लेग रूम आपको यहाँ नहीं मिलता है, तो इसका मतलब यही है कि थर्ड रो पर ये गाड़ी सिर्फ जो है बच्चों के लिए है, तो इसमें अब अगर बड़े लोग बैठेंगे तो माइट भी वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो, तो इसलिए। बाकी आप सेकंड रो पे देखेंगे तो सेकंड रो पे काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको, सेंटर आर्मरेस्ट पे मिल जाता है, यहाँ पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल आपको तीनों रो में मिलते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो इस तरह का एक जो है गाड़ी का इंटीरियर जो मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको इस वाले मॉडल में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब चलिए गाइस, बात करते हैं इसके 5 ऐसे पॉइंट की जो इस गाड़ी को बना देते हैं सबसे ज़्यादा अपने सेगमेंट में बिकने वाली कार। सो गाइस, यहाँ पर हमने आपको बताया, गाड़ी का एक वॉक अराउंड दिखाया, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स एंड सब कुछ बताया, तो आपको पता लग गया होगा इस गाड़ी में आपको VXI CNG वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पर्टिकुलर कुछ, मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आपको इस पर्टिकुलर MPV व्हीकल को ख़रीदने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली चीज़ है कि इस गाड़ी में इस प्राइस रेंज में आपको किसी और MPV व्हीकल में आपको जो है इतने प्राइस में गाड़ी नहीं मिलेगी। सो ये सबसे पहला रीज़न है अर्टिगा को परचेज़ करने का। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है, इस वाले वेरिएंट में आपको मिलता है CNG व्हीकल, यानी इसके अंदर आपको 12 kg का सिलेंडर मिलता है, जो कि MPV वेरिएंट में कंपैरेटिव दूसरे ब्रांड्स में आपको नहीं मिलता है।
तीसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है एवरेज की, जबकि आपको पता है मारुति के अंदर आपको जो है CNG में काफ़ी अच्छी एवरेज मिलती है। इसकी भी अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 26 की एवरेज आपको इस वाले वेरिएंट से मिलती है, एंड बाकी अगर पेट्रोल में बात करें तो 19 आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है एंड 17 के अप्रोक्स आपको ऑटोमेटिक में मिलती है। इसके अलावा अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये वाला मॉडल आपको पड़ता है 10,80,000 इंक्लूडिंग आपकी एक्सटेंडेड वारंटी, अगर वो नहीं लेंगे तो आपको पड़ेगा 10,63,000 का। बाकी आपका स्टार्टिंग इसकी हो जाती है 9,06,000 ऑन रोड डेली प्राइस से और 12,45,000 जाता है इसका टॉप एंड वेरिएंट। सो गाइस इसके में अगर कलर ऑप्शन की और बात करें तो इसके अलावा इसके आपको 4 कलर ऑप्शन और मिल जाते हैं, जिसमें आपको वाइट, देन सिल्वर, मेटालिक ग्रे एंड एक ब्लू कलर भी आपको मिलता है, यानी टोटल आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस ये था एक वॉक अराउंड मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI मॉडल का जो हमने किया। आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है इस गाड़ी से या मारुति की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। शोरूम की अगर मैं बात करूं तो अभी जहां पर मैं खड़ा हूं ये है आपका नजफगढ़ कॉम्पिटेंट शोरूम, जहां पर आप कभी भी आ सकते हैं। जो भी मेरे भाई आसपास से देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अगर उनको कोई भी क्वेरी रहती है तो पर्सनली वो यहां पर आकर भी जो है विजिट कर सकते हैं। डेफिनेटली हर तरह की जो है क्वेरी को एड्रेस किया जाएगा। तो गाइस आज का ये छोटा सा वॉक अराउंड था मारुति सुजुकी अर्टिगा, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, तो मैंने सोचा आपके साथ एक वॉक अराउंड इसका ज़रूर शेयर किया जाए, ताकि आप जब भी कोई MPV व्हीकल खरीदे तो अर्टिगा को जरूर कंसिडरेशन में रख के चले। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। फिर दोबारा मिलेंगे गाइस एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक देखते रहिए इन फॉर व्लॉग्स। थैंक यू गाइस।